हेलो लर्नर्स, वेलकम टू डायनामिक क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डीएलएड उत्तराखंड एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के। लर्नर्स, आपको ये बात बता दूं, कोई भी क्वेश्चंस डीप में इस एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, आपसे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जिन सारे क्वेश्चंस की सीरीज हम अपने इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी करेंगे। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बने इस बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, और ताकि आने वाली वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा आपके डीएलएड एग्जाम में। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि पिकनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर है लर्नर्स ऑप्शन नंबर बी, घनत्व मापने के लिए किया जाता है। आकार के हिसाब से निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो जो इसका सही आंसर है लर्नर्स, वो है ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अगर मैं बात करूं आकार के हिसाब से सबसे छोटा ग्रह, तो वो है आपका शनि ग्रह, सबसे छोटा ग्रह होता है। इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आकार के अनुसार ग्रहों का सही कालक्रम चुनें। तो जो इसका सही आंसर है लर्नर्स, वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी पहले सबसे इस सीरीज में, ध्यान रखिएगा इस सीरीज में, वैसे तो बृहस्पति होता ही है लेकिन इसमें बृहस्पति नहीं है। तो इस सीरीज में कौन बड़े से छोटा है, आकार के हिसाब से सबसे बड़ा है पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल और बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम है। तो स्वाभाविक सी बात है लर्नर्स, जो ग्रह सबसे नज़दीक होगा सूर्य के, उसी का तो परिक्रमण काल सबसे कम होगा, वही तो सबसे पहले परिक्रमण करेगा सूर्य का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बुध, इसका सबसे कम होगा। और सबसे अधिक किसका होगा, जो सबसे लास्ट में होता है, वो आप मुझे बताइए कि सबसे अधिक परिक्रमण काल किस ग्रह का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक ही माह में दो पूर्णिमा हो तो उसे क्या कहते हैं। इसका सही आंसर होगा उसे ब्लू मून कहते हैं। ध्यान रखिएगा लर्नर्स, नीला मून भी इसका आंसर नहीं होगा और ना ही काला मून होगा। इसके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एक वर्ड यूज़ होता है, जो होता है ब्लू मून। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी होती है उसे हम लोग खगोलीय इकाई बोलते हैं। पृथ्वी अपने धुरी के चारों ओर किस दिशा में घूमती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये पृथ्वी है, ये इसका अक्ष है, तो ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये ऐसे घूमती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है, प्रकाशमंडल, फोटोस्फीयर, उपयुक्त दोनों। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा उपयुक्त दोनों। फोटोस्फीयर उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रकाशमंडल हिंदी में बोला जाता है। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले ये कहा था कि पृथ्वी गोल है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एरिस्टोटल ने कहा था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ये कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऐसा कहा था कॉपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लर्नर्स, इस सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंतरिक्ष वाले से। तो अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाला पहले इंसान कौन थे। उनका जो सही आंसर है वो है यूरी गागरिन, अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाले पहले इंसान थे। अब अगर मैं बात करूँ अंतरिक्ष की भारत में, जो राकेश शर्मा थे लर्नर्स, ये चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे भारत के। और वैसे चंद्रमा पर कदम सबसे पहले किसने रखा था, आप सभी जानते होंगे, नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। लेकिन भारत की तरफ से किसने रखा था, राकेश शर्मा ने। अब जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किन्हें कहा जाता है। वो कहा जाता है विक्रम साराभाई को। और दूसरी चीज़ ये कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे आप लोग इसरो के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1969 में। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है भारत में, वो है बेंगलोर में। अच्छा लर्नर्स, तो ये तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। अब अगर मैं बात करूँ अंतरिक्ष में जाने वाले पहली महिला की, तो उनका नाम था वेलेंटिना तेरेस्कोवा, वेलेंटिना तेरेस्कोवा, तेरेस्कोवा। और जो दूसरे थे वो आपके अंतरिक्ष में तैरने वाले पहले व्यक्ति, उनका नाम आपका था एलेक्सी लियोनोव। ये कौन थे, अंतरिक्ष में तैरने वाले पहले व्यक्ति, ये तैरने वाले थे, ठीक है। अब जो दूसरी चीज़ आती है वो इसमें ये आती है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो प्रथम भारतीय महिला कौन थी, कल्पना चावला। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। और अंतरिक्ष में जाने वाला जो पहला जानवर था उसका नाम क्या था, उसका नाम था लाइका, लाइका, जो कि एक कुतिया थी।
अभी हमने इसरो के बारे में यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बारे में तो जाना, लेकिन एक ऐसी ही जो दूसरा संगठन हमारे देश में स्थित है उसका नाम है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। अब आप मुझे बताइए कि ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है कहाँ? तो लंदस ये है आपका त्रिवेंद्रम में, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ वो ये कि भारतीय सुदूरवेदी संवेदी संस्थान ये देहरादून में है, ये भी ऐसी ही एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करता है जो कि यहाँ पर बड़े बड़े दूरबीन्स आपके लगे हैं। अब अगर मैं बात करूं प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक की, यानी अंतरिक्ष में पर्यटक के रूप में सबसे पहले कौन गया था, तो जो उसका सही आंसर होगा वो होगा आपका, ये भी यूएसए के थे, इनका नाम था डेनिस टीटो। क्या था? डेनिस टीटो, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले पर्यटक, अंतरिक्ष पर्यटक भी इनको बोला जाता है। अब हमने अभी पढ़ा था कि चंद्रमा पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति का नाम तो नील आर्मस्ट्रांग था, लेकिन अब आप मुझे बताइए कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन होगा? स्वाभाविक सी बात है, नील आर्मस्ट्रांग संयुक्त राज्य अमेरिका के थे, तो पहला देश भी क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। इसी तरह से आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जो दूसरा क्वेश्चन बनता है चंद्रमा पर, वो ये कि चंद्रमा पर मानव को पहुँचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था, यानी चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला जो पहला अंतरिक्ष यान था उसका नाम क्या था? अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपको मैं तब तक बताता हूँ कि उसका नाम था अपोला 11। चंद्रमा पर मानव को पहुँचाने वाला पहला जो यान था उसका नाम अपोला 11 था, इसी ने इस काम को कारगर सिद्ध किया था। अब आप ये भी बताइए कि भारत का पहला मौसम उपग्रह किस नाम से जाना जाता है, उसका नाम है आपका मैटसैट। और दूसरा ये कि भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह उसका नाम क्या है, रोहिणी। ये साइंस के क्वेश्चन यहाँ से रिलेट होते हैं। तीसरा, भारत का प्रथम संचार उपग्रह उसका नाम क्या है, एप्पल, ठीक है। यानी भारत का पहला मौसम उपग्रह मैटसैट, प्रथम कृत्रिम उपग्रह रोहिणी और प्रथम संचार उपग्रह एप्पल। अब अगर मैं बात करूँ भारत का पहला चंद्रयान अभियान उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है चंद्रयान 1 के नाम से। सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, इसका सही आंसर होगा लर्नर्स प्रोक्सीमा सेंचुरी। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे दूसरा ऐसा ही क्वेश्चन पूछूं कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, उसका आंसर होगा बुध, लेकिन ये सौरमंडल का पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोक्सीमा सेंचुरी। अब आप मुझे बताओ कि सौरमंडल जो शब्द था ये दिया किसने था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर क्या स्थित है, नीला क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर जल की मात्रा बहुत अधिक है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा H2O। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोली पिंड को क्या कहा जाता है, खगोली पिंड वो पिंड जिनके पास अपना प्रकाश होता है। तो सूर्य के जो चारों ओर घूमते हैं खगोली पिंड, उन्हें हम लोग बोलते हैं ग्रह, ठीक है। अब आप मुझे बताइए सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह, अभी मैंने आपको बताया बुध, और ये भी बताइए साथ में कि सूर्य के सबसे दूर का ग्रह किसे बोला जाता है। सौर प्रणाली की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कोपरनिकस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो जो इसका सही आंसर है, ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। अब आप मुझे इसके अदर ऑप्शन बताइए, सिस्मोलॉजी किसे कहा जाता है, ये भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है, और सेलेनोलॉजी किसे कहा जाता है, ये चंद्रमा के अध्ययन को कहा जाता है, और एस्ट्रोनॉमी भूगोल की वो शाखा जिसके अंदर खगोली पिंडों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमी। ये चारों इंपॉर्टेंट हैं DLET के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो हम इस स्थिति को क्या कहते हैं, इस स्थिति को कहते हैं लर्नर्स, हम लोग कहते हैं सूर्य ग्रहण, जिसको इंग्लिश में सोलर क्लिप्स भी बोला जाता है। और चंद्र ग्रहण क्या होता है, इसके विपरीत, यानी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब अर्थ आ जाएगी तो इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण बोलते हैं, ठीक है। और चंद्र ग्रहण को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ल्यूनर क्लिप्स। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो तारों का रंग निर्भर करता है तापमान पर, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा तापमान, ऑप्शन नंबर 2। सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे ज़्यादा है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पृथ्वी ग्रह का, जिसमें हम रहते हैं। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्थल मंडल है, यहाँ पे ज़मीन का हिस्सा ज़्यादा है, पेड़ पौधे वगैरह ये सभी चीज़ें ज़्यादा हैं, इसलिए इसका घनत्व यानी डेंसिटी सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लर्नर्स, कि अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेयर या बिग बियर का संबंध किससे है, इसका सही आंसर होगा ये दोनों क्या है, नक्षत्र मंडल के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किन खगोली पिंडों को ग्रह कहा जाता है, ग्रह किन्हें कहा जाता है लर्नर्स, एक तो जिनके पास अपनी ऊष्मा या प्रकाश नहीं होता है, ये दूसरे ग्रहों से ऊष्मा लेते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, खगोली पिंड कहा जाता है। माफ़ कीजिएगा लर्नर्स, मैंने शायद उल्टा बोल दिया है, खगोली पिंड किन्हें कहा जाता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा या प्रकाश होता है, इन्हें हम लोग सेलेस्टियल बॉडी इंग्लिश में बोलते हैं, मैं तब कन्फ्यूज़ हो गया था, और जिनके पास नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है, ये दूसरों से लेते हैं प्रकाश, जैसे पृथ्वी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्नर्स कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा बोला है कि पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह। चौथा ग्रह नहीं लर्नर्स, हमने माई वेरी इफिशियंट मदर करके हमने इसे याद करा था, तो जो अर्थ है वो तीसरे नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर नहीं आता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कि केवल एक सही है। तो लर्नर्स वीडियो पसंद आया तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बने बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि आपके साथियों की भी तैयारी को बेहतरीन दिशा मिल सके। तो थैंक यू लर्नर्स, आज की वीडियो में इतना ही।